वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कम ट्रैवल विद मी। तो आज है हम लोगों का थर्ड डे इन पुणे और सबसे पहले हम लोग अभी जाएंगे आगा खान पैलेस। मैंने पूरा दिन का मतलब कहाँ कहाँ जाएंगे वो पूरा फिक्स कर लिया है और आप लोगों को भी साथ में ले चलेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत आगा खान पैलेस से करते हैं, तो लेट्स गो। निकलने से पहले हमने किया हम लोगों का लंच और फिर कैब बुक करके हम लोग निकल पड़े हम लोगों के डेस्टिनेशन की ओर। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान 3 ने बनवाया था और यहाँ का एंट्री फीस ₹20 है पर एडल्ट। इस पैलेस का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, मतलब जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च किया था तब महात्मा गांधी और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को इसी आगा खान पैलेस में कैद करके रखा गया था। और यहाँ पे आगा खान पैलेस का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और यहाँ पे जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था 1942 में, तो क्रिप्स
जब इंडिया आए थे तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा गया है। और ये है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में, जो ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में लड़ा गया था। और ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इंडियंस विल हेल्प द ब्रिटिशर्स एंड इन प्लेस ऑफ दिस ब्रिटिशर्स विल गिव इंडिपेंडेंस टू इंडियंस। पैलेस के बाहर पूरा गार्डन एरिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हो ये है हम लोगों का पूरा पैलेस, और इसके बाहर मतलब ये सब पूरा गार्डन है, पूरा गार्डन देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मतलब मेंटेन किया गया हुआ है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग इवनिंग टाइम में जॉगिंग वगैरह करने के लिए भी आ सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है। एक खादी का स्टोर भी है जहां से आप लोग क्लोथिंग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। पैलेस के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं ओसो तीर्थ गार्डन, जो कि आगा खान पैलेस से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोगों को इजीली टेम्पो बस वगैरह मिल जाएगा, तो आप लोग आगा खान के बाद डायरेक्टली ओसो तीर्थ गार्डन आ सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ खास देखने लायक नहीं है, पर अगर आप जंगल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली कम ओवर हियर, आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। और मुझे तो ऐसे अच्छा ही लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे जंगल के बीचों बीच बैठने के लिए जगह भी बनाया गया है, ताकि आप लोगों को थकान महसूस हो तो आप लोग थोड़ी देर रेस्ट करके फिर से चल पाओ। और ओसो तीर्थ गार्डन एक्चुअली में आमने सामने दो है, और हम लोगों ने दोनों ही देख लिया और अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आके। अभी हम लोगों का ओसो तीर्थ गार्डन देख के हो गया, अभी हम लोग एक मार्केट एक्सप्लोर करने जाएंगे।
अभी हम लोग आए हैं पुणे का सबसे बड़ा मार्केट फोनिक्स मार्केट को देखने के लिए। मॉल के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए कुछ ठूसने के लिए। और पुणे आए हो और मिसल पाव ट्राई नहीं किया तो क्या किया, तो चलिए ट्राई करके मैं बताती हूँ आप लोगों को टेस्ट कैसा है इसका। टेस्ट तो बहुत बढ़िया था, बट थोड़ा स्पाइसी था, स्पाइसीनेस न्यूट्रलाइज हो जाए और पेट में कुछ गड़बड़ ना हो। और लास्ट में खाया हम लोगों ने कुल्फी। और इसी के साथ ये वाले ब्लॉग से मैं अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। और अगर आपको वीडियो देखते अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट